गुड डे स्टूडेंट्स, संचार प्रक्रिया और संचार के तत्वों के बारे में हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था। प्रेषक संचार का पहला तत्व है, जिसके कुछ विशेषताएं पहले पढ़ चुके हैं। बाकी विशेषताओं के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। प्रेषक के गुण और विशेषताएं, संचार कौशल। प्रेषक में संचार कौशल का होना बहुत ज़रूरी है। जिसको मैसेज देना है, जिसको मैसेज सेंड करना है, उसको ये आना चाहिए कि मेरी बात मैं किस तरीके से प्रस्तुत करूँ कि सामने वाला उस बात को समझ पाए। इसके लिए उसका संचार कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, तो उनका सुनना हमें अच्छा लगता है। वरना बात कहने का ढंग तो हर एक व्यक्ति कोई बात कहता है तो, लेकिन किसी की बात हमें प्रभावी लगती है, किसी की नहीं। उसका विजय सिर्फ यही होती है कि उसमें संचार कौशल होता है। संचार कौशल जैसे संजीव माहेश्वरी है, आप उनका सुनेंगे तो आपको लगता है कि सुनना और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जैसे हम किसी की कथा सुनते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं, तो वो उसका संचार कौशल होता है। तो संचार कौशल, कई लोग अपनी बात सही तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं और कई नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा प्रेषक वही माना जाएगा जिसमें संचार का कौशल हो। छोटा समूह एवं उसका संपूर्ण ज्ञान। जो प्रेषक है उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी अपनी जानकारी, अपना संदेश जो है वो किसको देना है, किसके बारे में देना है और क्या देना है। उसकी संपूर्ण जानकारी उसके पास में प्रेषक के पास होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल आरजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, रेडियो जॉकी जिनको कहते हैं, या न्यूज़ एडिटर या न्यूज़ टीवी रिपोर्टर्स होते हैं, वो बीच बीच में ऐसा बोलते हैं ऐ ऐ। इट मीन्स उनको नेक्स्ट शब्द क्या बोलना है उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसा प्रेषक बहुत प्रभावी नहीं माना जा सकता। तो यदि प्रेषक कुछ बोल रहा है तो उसको अगला शब्द क्या बोलना है उसकी जानकारी पूर्व में होनी चाहिए, और उसको कैसे दर्शकों को या श्रोताओं को बांध कर रखना है उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा का ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाषा का ज्ञान, हम ज़्यादातर संचार जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं गांव में जाकर, हमें अपनी बात कहनी है या लोगों को बताना है प्रसार और प्रसार शिक्षा के बारे में। तो यदि हम गांव में जाके वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं, लोगों को हम इंग्लिश में जानकारी देते हैं, तो उनको उनके ऊपर प्रभावी है ही नहीं। हमें यदि उनको बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात कहनी है तो हमें उनकी लोकल लैंग्वेज जो होती है उससे उनको बात करनी पड़ेगी। तो हमें उसकी लोकल भाषा का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि लोकल भाषा के ज्ञान के अभाव में हम अपना संदेश पूर्ण रूप से पहुंचा नहीं पाएंगे या सही मायने में नहीं पहुंचा पाएंगे। अभी हम लोग आपको लेक्चर भेज रहे हैं, यदि हम ये लेक्चर इंग्लिश में भेजें और आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं है तो आपके लिए प्रभावी नहीं होगा। और आपको उस भाषा, तो हम मुझे भी ये पता होना चाहिए जो प्रेषक है कि सामने वाला व्यक्ति जो है रिसीवर, उसको कौन सी भाषा आती है और मैं कौन सी भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकता हूँ, और सामने वाला भी उस बात को अच्छे से कौन सी भाषा में समझ सकता है। देन संचार समूह और संचार माध्यमों का ज्ञान। संचार समूह के बारे में मैंने पहले भी बताया, क्यों नहीं ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें किन लोगों को संचार करना है। क्या हमें 2 लोगों को कहना है, क्या हमें 10 लोगों को कहना है, क्या 15 लोगों को कहना है, वो लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उन्हें अक्षर ज्ञान है या नहीं है, और हम जो संदेश दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या। हम ये चाहते हैं कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, उनके ज्ञान में परिवर्तन आए, या और कुछ हमारी हम जो चाहते हैं उद्देश्य की पूर्ति, उसका हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और संचार समूह में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा श्रोता है या रिसीवर है उसकी मानसिक स्थिति और उसकी योग्यता के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही संचार माध्यमों का ज्ञान होना चाहिए कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, कि मुझे यदि आप तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो मैं किन माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जैसे PPT के द्वारा भेज सकते हैं, PDF में भेज सकते हैं, वर्ड में भेज सकते हैं, कई तरीके होते हैं। मैं अखबार में पैम्फलेट डाल के भेज सकते हैं। तो जानकारी किसको, कैसे और कितने बड़े समूह को देनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी यदि मान लीजिए मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है तो मुझे आप लोग लिमिटेड बच्चे हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को देना है या 50 तक देना है, तो मैं आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हो। तो मुझे संचार माध्यम का ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाए, उसमें न्यूज़ कैसे, आप जो भी नॉलेज देना है या आपको PDF शेयर करना है या कोई और जानकारी देनी है तो आप कैसे करेंगे, उसको हैंडल करना मुझे आना चाहिए। इन सब के बारे में मुझे ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यदि यही समूह मेरा, यदि बड़ा समूह हो, लार्ज स्केल पर, जैसे COVID-19 के बारे में भी हमें आम आदमी को दिखाना होता है, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप कितने लोगों के लिए बनाऊंगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे दूसरा संचार माध्यम का ज्ञान होना चाहिए कि मैं और किस तरीके से ये जानकारी दे सकते हैं। जैसे लेटेस्ट तरीका आजकल है कि अब जब न्यूज़ जब हम फ़ोन मिलाते हैं तो हमें फ़ोन में एक आवाज़ सुनाई देती है कि COVID-19 के अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
तो ये क्या है, संचार माध्यम को उपयोग में लेने का तरीका होता है कि हम कैसे आपसे जानकारी पहुंचा सकते हैं, कितने बड़े लेवल तक हम इस जानकारी को दे सकते हैं। देन कार्य में रुचि, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये तो सिंपल, चाहे प्रेषक हो, चाहे श्रोता हो, चाहे हम घर के काम कर रहे हैं, चाहे कॉलेज के काम कर रहे हैं, या कहीं पे भी वह काम कर रहे हैं, जब तक कार्य में रुचि या इंटरेस्ट नहीं होता है, हम अपने चीज़ को पूरा उसके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। अभी प्रेषक है, यदि प्रेषक को हमें, जैसे हमें बोल दिया जाता है कि आपको ये लेक्चर डिलीवर करना है, इसको मैं दो तरीके से डिलीवर कर सकती हूँ। मुझे एक तो लगेगा मुझे एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मुझे एक काम पूरा करना है, क्योंकि मुझे लेक्चर देना है और मुझे पूरा करना है, चलो भाई करो, काम पूरा कर दिया। और एक ये होता है कि नहीं, मुझे काम करना है और मुझे एक अच्छे तरीके से करना है कि जब मेहनत कर ही रहे हैं तो इससे बच्चों को फ़ायदा हो। तो जो भी हमें काम करना है उसमें कार्य में रुचि होनी चाहिए। तो जो प्रेषक क्या ये गुण होना चाहिए कि उसको जो कार्य दिया जाए उसमें वो पूर्ण रुचि के साथ उसको करे, ना कि एक बर्डन समझकर उस काम को करे। नेक्स्ट, नई जानकारियों का ज्ञान। यदि कोई भी जानकारी प्रेषक को देनी है, किसी टॉपिक पे देनी है, मैं सिंपल बहुत अच्छे से एग्जांपल्स मैं बता सकते हैं, जैसे धूम्रपान शरीर के नुकसानदायक है, ये सिंपल आप सालों से इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ये सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना ये मना होता है, गंदी बात है, शरीर को नुकसान करती है, तो क्या मैं एक ही उसी पर्टिकुलर जानकारी को लेकर अभी कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे? नहीं, हम नई जानकारी का ज्ञान होना चाहिए कि अब धूम्रपान के कौन कौन से तरीके आ गए, हुक्का भी धूम्रपान है, पैसिव स्मोकिंग भी कोई एक नया टर्म यूज़ हो रही है, और भी तरीके से जो हम ये इसके बारे में नई नॉलेज है वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है और ये शरीर के ऊपर कितना प्रभावी तरीके से या कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती है, सब चीज़ देखने की तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि फेफड़ों में ये कार्बन किस तरीके से जमता है, इसमें कौन से टॉक्सिकेंट्स होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सीधा बोलूँ कि बस सिगरेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक है, नहीं, हमें उसके सपोर्ट में कुछ जानकारियाँ देनी चाहिए जिससे कि सुनने वाला जो होता है, श्रोता होता है, उसमें रुचि ले सके और उसको ग्रहण कर सके। देन कार्यस्थल, सहकर्मियों और श्रोताओं के प्रति आस्थावान होना चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं अभी जैसे पहले भी मैंने बताया कि भी हमें एक काम दिया गया है कि हम आप तक पूरा लेक्चर पहुँचाएं या पूरा सिलेबस ऑनलाइन कवर करवाएं। अब मैं उसको किस तरीके से कवर कराना है ये डिपेंड करता है प्रेषक के ऊपर। मे भी वो इंटरेस्ट ले लें और ये सोचे कि करना ही है मुझे, अब बहुत अच्छे से करना है, सपोर्ट लेके करना है, किसी की सहायता से करना है, और जो जिनके लिए करना है मेरे अपने हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनको फ़ायदा पहुंचाना है, वो मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैम ने कुछ दिया है तो कुछ काम का दिया है। तो इस ये सब चीज़ें जो, तो कार्य जो मैं काम कर रही हूँ, कार्यस्थल जहाँ से मैं काम कर रही हूँ, सहकर्मी जो मेरे साथ में काम करते हैं, और श्रोता जो अभी आप हैं, तो उनके प्रति आस्थावान होना चाहिए कि सबके प्रति आपके मन में विश्वास होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। कि पहली बात तो विश्वसनीयता यहाँ पर प्रेषक को ये चाहिए, इम्पोर्टेंट अभी मुझे इस समय विश्वसनीयता ही चाहिए कि मैं जो ये प्रेषित कर रही हूँ आप उसको खोल कर सुनेंगे और अच्छे से गुनेंगे भी, उसको समझेंगे भी, क्योंकि टीचर ने इसके पीछे कितना एफर्ट्स लगाया इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यदि मेरे को ये विश्वास होगा कि हाँ बच्चे सुनेंगे तो मैं इस काम को मन से कर पाऊंगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कितनी मेहनत कर लूँ, मुझे पता है बच्चे इसका चैनल को खोल के रख देंगे, उसको सुनेंगे नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो कार्यस्थल और सहकर्मियों और श्रोताओं के प्रति आस्थावान होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है कर्मठता। कर्मठता यानी हार्डवर्किंग होना चाहिए। जैसे कि कई लोग काम करते हैं उसको एक बर्डन समझ के करेंगे, आपको जो काम करना है उसको बिल्कुल मेहनत से करना है और उसमें अपना पूरी एफर्ट्स लगानी है। ऐसा नहीं है कि उसको बिना एफर्ट्स के और ऐसा काम कर दें, उसके लिए जितनी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, आपको जो चीज़ें चाहिए, नए से नए संसाधन को उपयोग में लेना है, उन सब के बारे में आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। देन ईमानदारी और अच्छा व्यवहार। आपका अच्छा व्यवहार, आपकी ईमानदारी, प्रेषक का, जैसे मैंने बताया प्रेषक के क्या होता है, अभी हमें कितने लोग भाषण देते हैं, हम कितने लोगों का भाषण सुनते हैं, यदि हम उस नेता या कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति या कुछ जो बोल रहा है उसके प्रति आपको लगता है ये बहुत अच्छे व्यवहार वाले लगती है, वो बोल रहा है तो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, यदि आप इस तरह की बात करते हैं तो उसकी बात सुनी जाएगी, तो आपका व्यवहार आपके प्रेषक
क्षमता को, प्रेषण क्षमता जो है उसको प्रभावित करता है। यदि आप अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत गंदा बोलते हैं, तो यदि आप कुछ बोल रहे हो तो लोग ये तो रोज ही बोलता रहता है, इसकी बात क्या सुननी, इस तरीके का आप व्यवहार दिखाएंगे। लेकिन यदि कोई कम बोलता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, आपसे कंसर्न रखता है, आपके आपकी भावनाओं को समझता है, तो उसके बाद यदि आप व्यक्ति आपके साथ कुछ बोल रहे हैं तो आप उसकी बात को विश्वास में लेकर उसके सुनेंगे कि ये जो कुछ कह रहा है जरूर आवश्यक रूप से कुछ अच्छा ही कह रहा होगा। संचार का दूसरा तत्व आता है संदेश। प्रेषक हो गया, प्रेषक क्या करता है, संदेश को प्रेषित करता है। तो संदेश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। संदेश क्या चीज़ है, संदेश वो बात है कि आपको जो कहनी है वो तथ्य है जो आप दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज संदेश, मैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि संदेश मुझे क्या कहना है। मुझे सिंपल आपको कहना है COVID-19 में 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब ये बात मैं आपको कैसे कह सकती हूँ, कितने प्रभावी तरीके से कह सकती हूँ, या COVID-19 में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये बातें मुझे बतानी है, तो उसको कहने का तरीका और उसको शब्द रूप देना है या चित्र रूप देना है, उसका ट्रिक है, ट्रीटमेंट करना है मैसेज का, ये मुझे पता होना चाहिए। संदेश की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए जो अच्छा संदेश माना जाएगा। पहला, सिंपल, सरल संदेश सरल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गूढ़ भाषा वाला यदि संदेश होगा तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा, श्रोता सुनना ही नहीं चाहेगा, उसको समझेगा भी नहीं। संदेश हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सटीक हो और सामान्य भाषा में हो, सिंपल हो, जो आपको आसानी से समझ में आ सके, या श्रोता को या जो ग्रहण करता है, रिसीवर है, उसको अच्छे से समझ में आ सके। दूसरी क्वालिटी है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। संदेश प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी हमें COVID-19 में हम कहें कि नहीं जी आपस में कोई भी बात ही मत करो, सब अपने अपने कमरों में, अपने घरों में भी हो तो सब एक 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 अपने कमरे में चुप रहे, आपस में नहीं बोले, तो ये व्यवहारिक है ही नहीं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल इसमें क्या दिखाते हैं कि संदेश में हम ये कहते हैं कि आवश्यक हो तो ही बाहर निकले, हम ये तो नहीं कह रहे कि बाहर ना निकले, आवश्यक हो तो ही बाहर निकले, और बाहर निकले तो क्या करें, मास्क लगा कर निकले। तो ये तो प्रैक्टिकल थिंग है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि जरूरत पड़े तो हम बाहर निकल के मास्क लगा लें, लेकिन हम कहते हैं बाहर निकलना ही नहीं है, एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात ही नहीं करेगा तो ये अव्यवहारिक संदेश होगा। तो व्यवहारिक भी होना चाहिए संदेश अपने आप में। फिर मितव, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई ऐसी चीज़ के जैसे मास्क लगाने की बात है, मास्क लगाना चाहिए। अब मैं बोलूं कि N95 वाला मास्क लगाना चाहिए, या मास्क जो है 100 रुपये का जो आता है रोज़, और उसको रोज़ यूज़ करके वापस फेंकना है, तो ये मितव इकोनॉमिकल संदेश है ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या कहा जाता है, कोई भी 3 लेयर का कपड़ा बना के लेके आओ, उससे मास्क बनाकर आप घर में उसको रीयूज कर सकते हैं वॉश करने के बाद में। तो ये आपका इकोनॉमिकल संदेश है जो आपको समझ में आता है कि हाँ ये हम इसको पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज हम कहें कि नहीं, जितनी बार आप मास्क एक यूज़ कर रहे हो नेक्स्ट टाइम उसको डिस्ट्रॉय करके दूसरा लें, और एक मास्क की कीमत 20 रुपये भी हो तो भी कोई व्यक्ति उसको डेली यूज़ करना, डेली यूज एंड थ्रो की तरह काम में लेना नहीं चाहेगा। तो आपका जो संदेश है वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। जो आप कह रहे हो बात कोई तर्कपूर्ण होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में आप कोई बात कह दें, उसके पीछे तर्क होना चाहिए कि आप ये कह रहे हो तो इसका क्या फ़ायदा है और कितनी इफेक्टिव तरीके से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हो। हर चीज़ के पीछे कारण होना चाहिए। जैसे हम संदेश देते हैं COVID-19 में ये करना है वो करना है, तो उसके साथ में आपको प्रभावशाली चीज़ बतानी पड़ती है कि बाकी देशों में इस तरह का हुआ या इसको अपनाने से इसका फ़ायदा हुआ है, तो हमने भी जैसे पहले इस चीज़ का फ़ायदा किया और हम अभी हमारा इस जो है जन माध्यम तक जो पहुंचना था उतना कोविड नहीं पहुंचा, हम नियंत्रण कर पाए हैं, अतः इसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमें इन उपायों को अपनाना चाहिए। और अभी जैसे आप देखिए न्यूज़ में भी या टीवी में भी बार बार ये दिखाते हैं कि ये स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है, तो इससे क्या होता है, हमें एक संबल मिलता है, हमें एक लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है, ये प्रक्रिया जो हमें अपनानी, कुछ समय के लिए अपनानी, तो हम अपना लेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए संदेश देते वक्त। फिर दोहराया जाने वाला होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संदेश एक बार बोल दिया फिनिश, या उसका कोई मीनिंग नहीं हो, वो एक ही बार एक ही चीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो, बाद में काम ना आए, ऐसा संदेश ना होना चाहिए। डुप्लीकेबल होना चाहिए कि उस संदेश को दूसरे तरीके से भी दो और लोग प्रयोग में ला सकें। तो ये थी संदेश की विशेषताएँ। अच्छे संदेश मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, यूजलेस नहीं बोलना है संदेश में। देन स्पष्ट और सहज होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कहना क्या चाह रहे हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने सटीक बोलना है, कुछ
शब्दों का चयन करते हुए अपनी बात को प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा करके और फिर हम कुछ बोलें और उसका मीनिंग ना निकले। तो स्पष्ट और सहज होना चाहिए। साधनों के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज होना चाहिए। ये वो इकोनॉमिकल वाली जैसे बात कही, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके पास में जिसके साधन ही नहीं हो और हम बोलें कि नहीं आपको अब ज़मीन पे पाँव रखना ही नहीं, आपको जब बाहर निकलना है तो कार में निकलो, टू व्हीलर चलानी ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज नहीं है, हर एक के पास कार का होना पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इस तरह की कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए। जो संदेश होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए जो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही हो। नेक्स्ट, बेनिफिशियल फॉर ऑल। कोई भी संदेश ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर दिया गया हो, या मैं अपने आप को ध्यान में रखकर दूं या कुछ एक लोगों को ध्यान में रखकर दूं। ऐसा संदेश होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो, बहुहितकारी हो। ऐसा नहीं कि किसी कुछ एक तबके के लिए या कुछ एक लोगों के लिए, सेलेक्टेड चयनित लोगों के लिए फायदेमंद हो या एक या दो लोगों के लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट, संप्रेक्षक व श्रोता के मध्य तालमेल होना चाहिए। अच्छा संदेश ऐसा होगा जिससे जो संदेश दे रहा है वो और जो सुन रहा है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ सके, तब तो अच्छा संदेश है। अदरवाइज आपने सुना होगा कई बार हम ये कहते हैं कि जो योजनाएं बनती है वो एसी में बैठ कर बनती है, उनको धरातल की जानकारी नहीं होती है। यही संदेश का जो डिफरेंस है वो ये इससे समझ सकते हैं कि जो संप्रेक्षक है और जो श्रोता है, संप्रेक्षक को श्रोता के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो उनके पॉसिबल जो एक्शंस हो सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग संदेश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो श्रोता के कंट्रोल में ही नहीं हो। अभी हम उम्मीद करें कि आप सबके पास में ऑनलाइन डाटा हो, आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन्स हो, आप सब कुछ काम कर सकें, तो ऐसा हम लोग के लिए सोचना गलत होगा। हमें ये देखना होगा कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। आप जैसे गांव है, गांव में बिजली पूरे समय नहीं रहती है, हम सोचें कि हम तो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति उसका उपयोग में ले सके। तो संप्रेक्षक और श्रोता के बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ईजिली अप्लीकेबल होना चाहिए। कोई भी काम में यदि हम करने को कहते हैं, कोई संदेश ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम हो तो व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। ईजिली जैसे अभी हम आपको मैसेज भेज रहे हैं या क्लासेस भेज रहे हैं, उसके लिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं भेजते, आपको एक सिर्फ लिंक भेजते हैं, उस पर आप क्लिक करते हैं और क्लास खुल जाती है, तो आपको ईजी लगता है। तो ये हमारा संदेश की हमारी विशेषता है कि हम अपने संदेश को बहुत आसानी तक आप तक पहुँचा पा रहे हैं। यदि यही इसमें कुछ ऐसा होता कि आप पहले उसमें करो, उसको कॉपी करो, वहाँ पेस्ट करो, वहाँ पे ये खोलो, उसके बाद उसको अपलोड करो, उसके बाद आपके पास आएगा, यदि 3-4 स्टेप इसमें होते तो जितना हमारे अभी लोग देख पा रहे हैं, बच्चे इसको देख पा रहे हैं, उससे आधे बच्चे भी इस चीज़ को नहीं देख पाते। नेक्स्ट, संचार माध्यम के अनुरूप। संचार माध्यम के अनुरूप होना चाहिए कि कैसा हमने संचार का माध्यम लिया उसी के अकॉर्डिंग हम बोलें। ऐसा है जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लासेस आपको वीडियो और पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो हम इसको आपको मोबाइल के थ्रू तो भेजेंगे। अब हम ऐसा कोई ले लें, रिटर्न मटेरियल ले लें और हम कहें इसको ऑनलाइन भेजना है, तो नहीं पॉसिबल होगा। तो देखना होगा कि हमारा संचार का माध्यम क्या है। मुझे टीवी के थ्रू बात पहुंचानी है, लाउड स्पीकर के देना है, पोस्टर के द्वारा जानकारी देनी है या चार्ट के द्वारा देनी है, ये मुझे पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मेरा संदेश होना चाहिए। यदि मुझे पोस्टर के अनुसार कोई आपको जानकारी देनी है तो मुझे चित्र बनाना होना चाहिए, मतलब मैं मेरा संदेश जो है वो चित्र के रूप में होना चाहिए और वो दिखाता हुआ होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक साइंटिफिक एप्लीकेशन होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए संदेश में, क्योंकि कोई भी संदेश विश्वसनीय होगा तभी व्यक्ति उसको मानेगा। किसी के साथ में यदि हम डाटा लगा देते हैं कि इतने लोगों ने ये कहा है, इतने परसेंट ने ये कहा है, तो हम उस बात को विश्वास करते हैं। तो हमारा जो जो भी संदेश है वो साइंटिफिक होना चाहिए और उस प्रभावी तभी हो सकता है। तो ये थी अच्छे संदेश की विशेषता।